हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो कुछ ऐसे अद्भुत और अनोखे गैजेट्स और प्रोडक्ट जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है, चाहे वो मिनी फोन ही क्यों ना हो। एक ऐसा वेप सिगरेट जो कि बहुत ज्यादा पसंद आएगा आपको, स्मार्ट शूज जो कि आपके होश उड़ा देंगे। तो ईयरफोन को लगाइए कानों में और आराम से बैठकर एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं और आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसे स्पीकर हैं जो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं और वायर्ड वाले हैं, तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती तो हम बिना जैक लगाए स्मार्टफोन से ही सॉन्ग प्ले कर सकते। तो अब आपको न्यू ब्लूटूथ स्पीकर या फिर साउंड बॉक्स लेने की जरूरत नहीं है। आप इस ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर को बाय कर सकते हैं और अपने किसी भी पुराने स्पीकर या फिर कार के स्पीकर सभी चीजों को वायरलेस बना सकते हैं। इसे आप अपने सभी पुराने गैजेट को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद वो वायरलेस हो जाते हैं और आप अपने स्मार्टफोन से ही सॉन्ग्स प्ले करके और म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। आप इसे 100 से 200 में अमेजोन से खरीद सकते हैं, जिसकी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। सनग्लासेस पहनते हैं हम आंखों से डस्ट या फिर धूल से बचने के लिए, सनलाइट्स को डायरेक्ट ना आंखों पे पड़ने के लिए या फिर शो ऑफ और स्टाइल जैसे मारने के लिए। और अगर आपको सनग्लासेस का शौक है तो मिली इस सनग्लासेस से, जो कि गेमिंग के पर्पज से ही बना है। यानी कि इस सनग्लासेस को लगाने के बाद आपको अलग से किसी भी ईयरफोन और हेडफोन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोन कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये ग्लास गेम के साउंड को डायरेक्ट आपके कानों तक पहुंचा देता है। और मुझे पता है अभी आप सोचते होंगे क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है और स्टीरियो साउंड इसमें देखने को मिल जाता है। लाइट वेट होता है बहुत ज्यादा और देखने में काफी कूल लगता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर कॉल वगैरह आते हैं आपके स्मार्टफोन में तो आप इससे डायरेक्ट रिसीव करके बातें कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ गेम के लिए बना है, तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, आप इससे म्यूजिक के साथ साथ वीडियोस का भी मजा ले सकते हैं। वैसे आपकी फेवरेट गेम कौन सी है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा कि हम सभी को पता है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर, यानी ये धूम्रपान हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होती है। तो जरा मिलिए इस वेप सिगरेट से। प्राइस और क्वालिटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बहुत ही कमाल की है, जिसे आप अपनी फेवरेट फ्लेवर में लिक्विड को डालकर और स्मोक कर सकते हैं। और ये काफी ज्यादा स्मोक जनरेट करता है, जो कि एक सिगरेट नहीं करेगा। कैसा ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट मुझे कमेंट करके जरूर बताना। परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। शूज हमारे लुक्स में बहुत ज्यादा असर डालते हैं, और ऐसे में जैसा कि सभी को मालूम है हर एक चीज स्मार्ट होते जा रही है, तो ऐसे में मिली इस स्मार्ट शूज से। इसमें आरजीबी लाइट्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे काफी सारे स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल जाती है। मोशन सेंसिंग टेक्नोलॉजी के वजह से पैरों के मूवमेंट के जैसा ही मैच करते हुए इसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन में ब्लिंक करती हुई होती है। देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है, जो कि स्टाइलिश भी है। अंधेरे में जो इनकी लाइट्स ग्लो करती है, तो मैं क्या ही बोलूं, आप इसे यहीं पे देख सकते हैं कितनी ज्यादा शानदार लग रही है। आप अपने स्मार्टफोन से ही इनके एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें लेसेस नहीं होती है, जिसके वजह से आपको इसे पहनना और उतारना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। लुक्स की बात ही नहीं करो, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। वैसे आपको ये शूज सॉरी स्मार्ट शूज कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ तक आ ही गए हैं तो साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही अनोखे गैजेट कभी मिस ना कर पाए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। कई बार बच्चे कीज वगैरह से खेलते खेलते उन्हें किसी ऐसी जगह पे गिरा देते हैं, जहाँ से निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये बात उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे। पर अब आप बिना किसी प्रॉब्लम के इस पिकअप टूल से कोने या फिर बेड के नीचे गिरे हुए कीज या फिर कोई भी ऐसी सामान जो कि बच्चे गिरा देते हैं, उसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जहां तक आपके हाथ नहीं पहुंच सकते हैं वहां तक ये पहुंच जाता है। काफी फ्लेक्सिबल रॉड है, जिसका इस्तेमाल आप जिगजैग वाले कोने में भी कर सकते हैं, और सामने की तरफ एक एलईडी लाइट भी दी हुई होती है। तो किसी ऐसी कोने में जहाँ पे लाइट तक नहीं जा पाता है, वहां पे ये पिकअप टूल चला जाता है।
500 से 600 के अंदर में ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, जिसकी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब जरा मिलिए इस छोटे से मिनी पोर्टेबल फ्रिज से। जैसा कि गर्मियां आ चुकी है और अभी से ही इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि सोचिए कुछ दिनों बाद क्या हाल होंगे। तो अगर आप अकेले रहते हैं तो ऐसे में ये मिनी पोर्टेबल फ्रिज को देखिए। गर्मियों में हम अपने ड्रिंक्स बिल्कुल ठंडा खोजते हैं। घर में तो ये सारी चीजें हमें मिल जाती है, लेकिन अगर आपको अक्सर बाहर ट्रैवल करना पड़ता है या फिर आप अपने पर्सनल अपने एक रूम के लिए ही चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी चीजों को ठंडा या फिर गर्म दोनों कर सकते हैं। 4 लीटर की कैपेसिटी है इस मिनी फ्रिज की और इसे कैरी करना बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें एक हैंडल दी हुई होती है जिसे पकड़कर आप इजीली उठा सकते हैं। इसके डोर पे आप जो चाहे लिख सकते हैं और बाद में चाहे तो उसे बहुत ही आसानी के साथ मिटा भी सकते हैं, क्योंकि इसका डोर इरेजेबल होता है। तो चीजों को रखना हो कूल या फिर वार्म, ऐसे में ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखिए इस प्रोडक्ट को। इसे देखने के बाद क्या आपको कुछ याद आ रहा है? जी सही पहचाने, यही कैरेक्टर की ये प्रोडक्ट है। वैसे क्या आपको इसका नाम मालूम है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखने में तो एक डेकोरेटिव प्रोडक्ट ही लग रहा है, जिसे आप अपने घर पे कहीं पे भी शोपीस जैसा रख सकते हैं, जिसे अगर कोई देखेगा भी तो वो नहीं जान पाएगा कि ये स्पाई कैमरा है। छोटा और क्यूट सा एक टॉय जैसा दिखता है। आप अपने स्मार्टफोन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, घर की निगरानी इसे रख सकते हैं। तो अगर आपने इसका नाम गेस कर लिया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मैंने इसकी भी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सेल्फी तो हम सभी लेते हैं, बट कहीं ना कहीं हम मोबाइल फोन को अच्छे से होल्ड करके नहीं रख पाते हैं, और क्लिक करते टाइम बहुत से बार हमारे हाथों से स्मार्टफोन तक छूट गई है, जिसकी वजह से कई बार हमारे फोन तक टूट जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप स्मार्टफोन फिंगर ग्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे लगाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको बस इसके बैक साइड के स्टिकर को हटाना है, उसके बाद आप इसे अपने स्मार्टफोन के बैक साइड या फिर अपने फोन केस के बैक साइड आपको लगाना होगा, जिसके बाद आप बिना किसी डर के स्मार्टफोन से ही सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। वैसे क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि फोटोज क्लिक करते टाइम या फिर मोबाइल चलाते टाइम आपके हाथों से मोबाइल गिरकर टूट गई हो, और वो आपकी कौन सी फोन थी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये एक डुअल मोबाइल स्टैंड है, जिसपे आप अपने स्मार्टफोन के स्टैंड करके मूवीज या फिर वीडियोस का मजा ले सकते हैं। साइज बहुत छोटा है और आप इसे जिधर चाहो उधर अपने स्मार्टफोन को स्टैंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला, ये डुअल मोबाइल स्टैंड है जिसमें आप एक साथ दो मोबाइल फोन को स्टैंड करके रख सकते हैं। तो काफी ज्यादा हैंडी और बेहतरीन सा प्रोडक्ट है, और अगर आप मूवीज या फिर वीडियोस वगैरह देखते हैं काफी ज्यादा और मोबाइल को पकड़े पकड़े आपके हाथ दर्द करने लगता है, तो आप इस तरीके के मोबाइल स्टैंड को बाय कर सकते हैं, जिसकी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जहां से आप इन्हें खरीद सकते हैं। अगर आपके साथ आपके ईयरफोन की भी जिंदगी उलझ गई है तो आप इस तरीके के ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वायर एक तरीके के जैकेट के जिप जैसा होता है, जो कि उलझता नहीं है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफी सही है, और ऑडियो आउटपुट भी बहुत तगड़ी है इसकी। और हमारे ईयरफोन चाहे कितनी भी महंगे क्यों ना हो, उलझने और टैंगल होने की वजह से बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें हर 2-3 महीने में एक न्यू ईयरफोन को खरीदना पड़ता है। तो अगर आपके भी ईयरफोन उलझ जाते हैं तो आप इस जिपर ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आपकी लाइफ उलझी है तो इसमें भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर गाइस, इसकी बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। मिलिए इस छोटे से मिनी फोन से, जो कि ब्लूटूथ है या फिर स्मार्टफोन, ये डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये दोनों है, जी हाँ, आप इसका इस्तेमाल दोनों तरीके से कर सकते हैं। डिस्प्ले इतना ज्यादा छोटा है, जो कि एक थंब के नेल जितना होता है, और एक बार फुल चार्ज कर देने पे ये आपको पूरे एक दिन का बैकअप देता है, यानी कि 24 आवर तक की इसकी बैटरी बैकअप है। इसमें भी सिम तक लगती है, जिसे लगाकर आप किसी से भी बातें कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ इस तरीके का अद्भुत कीपैड ढूंढ रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। फोटोज, वीडियोस और सेल्फी का क्रेज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और अभी तो रील्स काफी ज्यादा ट्रेंड में है। और अगर आप एक ट्राइपॉड लेने की सोच रहे हैं, जिसे आप पॉकेट में रखकर कैरी कर सकें, हर एक एंगल से अपनी वीडियोस को शूट कर पाएं, तो आप इस पॉकेट ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अफोर्डेबल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एडजस्टेबल ट्राइपॉड है, जिसे आप जिस एंगल में चाहें उस एंगल से मोबाइल को फोन को होल्ड कर सकते हैं। साइज में इतना ज्यादा छोटा है, जिसे आप अपने वॉलेट तक में रखकर कैरी कर सकते हैं। यहीं तक थी ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। 1000 लाइक्स मुझे पता है आप लोग बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर देंगे।
वैसे कौन सा गैजेट आपको सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही अमेजिंग गैजेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना कर पाए।